नमस्कार दोस्तों, Redmi A3 स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है और लॉन्च डेट भी निकल के आ चुका है। तो क्या प्राइसिंग होगा और क्या कुछ स्पेसिफिकेशन है, इसी के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे इंडिया तक तभी आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है। देखिए, Redmi A3 स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है इंडिया में, जिसका मेंशन हो चुका है। ये फोन देखने में काफी इंटरेस्टिंग है, आप यहाँ पर देख पा रहे, और इस फोन का प्राइसिंग भी काफी कम होने वाला है। देखने में ये फोन काफी यूनिक है, वीवो का जो X सीरीज आता है उसी की तरह इसका बैक डिजाइन है, जो कि देखने में काफी यूनिक लग रहा है। स्पेसिफिकेशन भी काफी ठीक ठाक है, प्राइसिंग काफी कम होने वाला है। क्या कुछ होगा सभी को अभी हम जानने वाले हैं। फोन यहाँ पे भी देखने में काफी यूनिक है, आप यहाँ पर देख पाओगे आता है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ, लेकिन ओवरऑल स्पेसिफिकेशन काफी सही है। और जो सबसे मेन चीज होता है प्राइसिंग, वो इस फोन का काफी कम है। हालांकि अदर कंपनी का भी आपको फोन मिल जाता है जहाँ पर स्पेसिफिकेशन इससे कहीं बेटर होता है। अगर हम बात करें कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो Redmi A3 स्मार्टफोन है, इस फोन में आपको मिलेगा 6.71 इंच का HD+ डिस्प्ले, जो कि आता है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। और इस डिस्प्ले में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और यहाँ पर LCD IPS डिस्प्ले है, मतलब डिस्प्ले काफी बेसिक क्वालिटी का है, लेकिन डिस्प्ले का साइज काफी बड़ा है। बेजल्स भी काफी बड़े बड़े आप यहां पर देख पाओगे, वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है। अगर हम बात करें कैमरा सेटअप के बारे में, तो आपको मिलेगा पीछे की तरफ से 13 मेगापिक्सल का कैमरा और फ्रंट में दिया गया 8MP का सेल्फी कैमरा। अगर हम प्रोसेसर की बात करें, तो यह एक 4G फोन है और आएगा MediaTek के हीलियो G36 के साथ, और आने वाला है LPDDR4X RAM के साथ और eMMC 5.1 स्टोरेज टाइप के साथ। मतलब 4G फोन है तो आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन प्राइसिंग काफी कम होने वाला है। लुक एंड डिजाइन काफी बेहतर है। इसका जो वेरिएंट होगा वो होगा 4GB 64GB का, उसके बाद होने वाला है 4GB 128GB का भी। 5000mAh का बैटरी होने वाला है, जो कि आएगा 10W चार्ज सपोर्ट के साथ, और ये चार्जर बॉक्स में दिया जाएगा। बाकी आपको Android 13 पर रन करता हुआ दिखेगा, जो की बेस्ड होने वाला है MIUI 13 पर। सिंगल स्पीकर के साथ आने वाला है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी होने वाला है, हेडफोन जैक भी देखने को मिलेगा। बाकी जो कलर वगैरह है उसे आप यहाँ पर देख पाओगे। और दोस्तों, इस फोन में MIUI का डायलर भी मिलेगा, जिससे आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो बिना किसी अनाउंसमेंट के। तो फोन काफी सही लग रहा है। अगर हम बात करें लॉन्च डेट के बारे में, तो ये फोन लॉन्च होने वाला है 14 फरवरी को, मतलब वैलेंटाइन डे के दिन ये फोन लॉन्च होने वाला है, और काफी बेस्ट रहेगा गिफ्ट करने के लिए, बिकॉज इस फोन का प्राइसिंग भी काफी कम है। ये फोन आपको मिलेगा अंडर 7000 में। इसका जो बेस वेरियंट है उसे आप बाय कर सकते हो अंडर 7000 में, जो की काफी सही रहेगा किसी को गिफ्ट करने के लिए। फोन काफी सही है, स्पेसिफिकेशन काफी नॉर्मल टाइप का है, बिकॉज ये 4G फोन है, प्राइसिंग भी काफी कम है, और अंडर 7000 में आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। तो ये फोन आपको कैसा लगा और आप इस फोन के बारे में क्या कुछ विचार कर रहे हो, आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हो। धन्यवाद।